अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की नियामतों बरकतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो हम सब देख सकते हैं आप मेरे पीछे बंदे, तो हम सब जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग के लिए, और वो इस व्लॉग को पूरा देखिएगा आप, और उम्मीद है आप सब बहुत इंजॉय करेंगे इसको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, हम आए हैं पसंद से पहले आगा जूस के बराबर में ग्रेटेस्ट पिज़्ज़ा के ऊपर, और ये देख सकते हैं आप लोग, और ये हम सारे कज़न वगैरह भी सब लोग आए हुए हैं, और अभी हम लोग अंदर जाएंगे और पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे अभी ऑर्डर कर दिए दो पिज़्ज़ा, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? अभी मज़ा आएगा, पिज़्ज़ा आएगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, मज़ा तो आएगा, देखते हैं आगे। डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू लेंगे जिन डॉक्टर ने ये बनाया है, इसे इन्वायरमेंट से आप मुतमिन है, और अभी तकरीबन रात के बज रहे हैं एक, और बहुत ही चिल माहौल है, बहुत ही समझ लें पुरसकून माहौल है, कोई स्नैचिंग वगैरह इसका कोई चक्कर नहीं है। टाटा बाय बाय। डॉक्टर साहब माशाल्लाह से सर्व भी खुद कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त सर्विस प्रोवाइड करें डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो गाइस, हम लोग पिज़्ज़ा खा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे लगा लड़कियों आप लोगों को पिज़्ज़ा? कैसा लगा भाई? सबसे ज़्यादा तो मायमा ने खाया है, मायमा से पूछो, मायमा का पिज़्ज़ा कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त था, हर चीज़ थी पिज़्ज़ा में, जो चीज़ तो इतनी गली हुई थी संभाली नहीं चल रही थी, लेकिन ये हम मजाक नहीं कह रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला लोग सबको कामयाब करे, हम सब यही दुआ, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत ज़बरदस्त चिल मौर है, हमारे सर पे एसी चल रहा है 1:30। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बैठे हैं डॉक्टर रेहान अहमद के साथ, और डॉक्टर रेहान अहमद माशाल्लाह से ग्रेटेस्ट पिज़्ज़ा के ऑनर हैं, और डॉक्टर साहब से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब इजाज़त है आपसे सवाल करने की? डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो मुझे एक ये बात बताएं कि सुबह मैं आपके क्लिनिक पे आई थी, माशाल्लाह आपने मुझे अटेंड किया और आपने मुझे जो भी मेडिसिन वगैरह करनी थी सब कर दी, अभी रात के 2 बज रहे हैं, आपके पिज़्ज़ा हट के अंदर बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं, मतलब आप सोते वगैरह नहीं, क्या करते हैं डॉक्टर साहब? सोता तो होगी नहीं, अच्छा सवाल है आपका, जितनी भी लेनी होती है 8 घंटे की, वो तो किसी ना किसी तरीके से एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन जो रूटीन है, जैसे आपने सवाल किया है कि सुबह आपने अटेंड किया मुझे, बिल्कुल हमारा काम सारा ऑनलाइन है, और ऑनलाइन के थ्रू सारी बुकिंग होती है हमारे पास, उसके बाद पेशेंट को अटेंड किया जाता है। दूसरा ये कि यहाँ जो सर्विस दे रहे हैं, हमने तो यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, और ये इन्वेस्टमेंट की वजह सिर्फ यही है कि यहाँ की जितनी भी इनकम जनरेट होगी उससे हम क्या करेंगे, गरीबों का भला करेंगे, और जो है ना फ्री ट्रीटमेंट देंगे, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जगह जगह बातचीत बनाकर और एक ब्रांड की शक्ल में ग्रेटर पिज़्ज़ा को लेकर आएंगे आपके लिए, और टेस्ट आपने चेक किया होगा कि कैसा आपको पसंद आया कि नहीं, आप बताएंगे। डॉक्टर साहब, टेस्ट तो आपके पिज़्ज़ा का बहुत अच्छा रहा है, इसके अलावा डॉक्टर साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, डॉक्टर साहब आपने सारी इन्वेस्टमेंट खुद किए माशाल्लाह से, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उम्मीद है हमारी और आपके साथ दुआएं भी हमारी कि आपको जल्द से जल्द रिज़ल्ट मिले, और डॉक्टर साहब आप बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं हमारे लिए, और ये जो अगर रंग लेकर आए रेस्टोरेंट जो अपने पाँव से खड़ा हुआ है, ये सिर्फ अपने पाँव से खड़ा नहीं हुआ, ये लोगों की दुआएं हमारे साथ, और बहुत सारे लोग हैं वो पीछे से दुआएं कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी फैमिली में जो हमारे मेम्बर्स हैं, और जो मेरे फैमिली के जितने भी वो हैं बड़े हैं वो मेरे लिए खुशी दुआएं कर रहे हैं, और फैमिली के हर की भी मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जो मेरे सर्कल में हैं वो भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारा हाथ पकड़े, पर हम गरीबों के साथ जो है ना वो ताउन करें, और सिर्फ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में बनाने का मकसद ही यही है बस, और कोई वजह नहीं है, और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सिला भी देगा, और जो मेन टारगेट हमारा है वो सिर्फ गरीबों के लिए ही करना है कि भाई हम यहाँ से पैसे जनरेट करके वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, लोगों के अपने जेब से लगें, ठीक है ना, किसी का ना कोई डोनेशन,
कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ से अपने बलबूते पे करके और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें लोगों को। डॉक्टर साहब माशाल्लाह से आपके क्लिनिक में मैंने देखा हुआ, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आपने वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड। डॉक्टर साहब मैंने भी आपके क्लिनिक में सर्विसेज ली हैं और माशाल्लाह से क्लिनिक मेरा आपके तरफ आना रहता ही है, तो सर वहाँ पे भी आपने बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त मतलब के लोगों के लिए इन्वायरमेंट अच्छा रखा और यहाँ पे भी जो हमने इन्वायरमेंट देखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त रखा हुआ है। तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ये सारी क्रिएशन जो है ये आपकी अपनी है या किसी की हेल्प लेते हैं आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किसी की हेल्प नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और मेरा, और सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि अगर आप अपने बिजनेस में अल्लाह को पार्टनर बनाएंगे तो आपको ज़रूर अल्लाह पाक हाथ पकड़ेंगे। जब अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया आपका तो फिर आपको इंसान की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है, तो बस यही बात है और कुछ नहीं है, और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही कर रही है और मैं कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब ये बताएं हमारे चैनल को देखकर अगर कोई आपके पिज़्ज़ा खाने आया तो उनको डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल ज़रूर देंगे, 50% दे देंगे आप और बोले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।